हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहें चोरों ने पुलिस की नाक में दम किया हुआ है, एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और अब तो रेवाड़ी में चोरों ने पुलिस जवान के घर को भी नहीं बख्शा। रेवाड़ी में एक पुलिस जवान के घर चोरी हो गई। चोर 72,000 रुपए कैश चुरा ले गए। जब लड़की ने पकड़ने की कोशिश की तो चोरों ने उस पर भी हमला कर दिया। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में दिल्ली पुलिस के जवान के घर घुसकर चोरों ने 72,000 रुपए कैश चोरी कर लिया। सुबह आंख खुली तो पुलिस जवान की बेटी पार्किंग पैलेस में टहलने गई थी, तभी वहां चोर छुपा हुआ था। उसे देखकर पकड़ने की कोशिश की तो उसने युवती पर हमला कर दिया और दीवार फांदकर भाग गया। इस दौरान चोर के हाथ से कुछ 500 के नोट भी गिरे। हमले में लड़की को चोटें भी आई है। कल सुबह मैं 4 बजे घूमने के लिए उठी थी और उसके बाद मतलब मैं 4:15 बजे से नीचे आ गई थी और उसके बाद यहाँ पे घूमने लग गई थी। फिर यहाँ पे स्टेयर्स के पास यहाँ पे किसी का सिर दिखा था, फिर उससे पूछा था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद ऐसे ही हाथ उठ पे मारी और फिर उसके बाद पता नहीं उसके बाद तुम बेहोश हो गए। किसी से मारी है? जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शहर के सेक्टर 19 में रहने वाले मुन्नीलाल दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। बीती रात वह ड्यूटी पर गए हुए थे। उनकी पत्नी सीता कुमारी और बेटी प्रियांशी दोनों फर्स्ट फ्लोर पर सोए हुए थे। सुबह 4 बजे उनकी बेटी प्रियांशी उठने के बाद नीचे पार्किंग पैलेस में घूमने के लिए आई थी। इसी दौरान एक चोर घर की सीढ़ी के नीचे लगी ग्रिल की आड़ में छुपा हुआ था। प्रियांशी को देख चोर ने भागने की कोशिश की। प्रियांशी ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की। इस बीच चोर ने हमला कर दिया और इसके बाद आरोपी दीवार फांदकर भाग गया। प्रियांशी ने पकड़ने की कोशिश की। चोर के हाथ से 500 के कुछ नोट गिर गए, जिससे प्रियांशी को पूरा शक हुआ कि उसने चोरी की है। इसी दौरान शोर शराबा सुनकर सीता कुमारी की भी आंख खुल गई। वह नीचे पार्किंग स्थल पर आई, बेटी प्रियांशी जमीन पर पड़ी थी। पुलिस में खबर करी आपने? पुलिस आई? आई थी कल सुबह। उसके बाद अभी तक तो कुछ नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं करी। ये जो आपके साथ मारापीटी करी है, कोई मेडिकल वगैरह कुछ करवाया है पुलिस वालों ने? उसके बाद मतलब आए नहीं पुलिस वाले? एक बार ही आए थे कल सुबह। सीता ने तुरंत इसकी सूचना थाना मॉडल टाउन पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है और केस दर्ज कर लिया है। जाहिर है चोरी की एक के बाद एक हो रही वारदातों ने रेवाड़ी पुलिस की रातों की नींद उड़ा रखी है। चोर एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि रेवाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था का आखिर क्या होगा, जबकि रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि रेवाड़ी में किसी भी किस्म का क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद एक के बाद एक हो रही वारदातें पुलिस प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े करती है। फिलहाल अब देखना यह है कि पुलिस इन चोरों को कब तक पकड़ पाती है, जो कि अब पुलिस वालों के घरों को ही निशाना बना रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार।